हे गाइस वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलोनो टाइम एंड 30 डेज 30 कलर ट्यूब्स नॉलेज। और रेगुलर आपको वीडियोस मिल रही है, होप सो। वैसे तो कुछ भी दिन मेरे हिसाब से तो स्किप नहीं हुआ है, लेट हो गई होगी वीडियो रात को 9-10-11 बजे तक भी। काफी बार काम होता है ना सलून में, तो रात को लेट शूट करते हैं, वो एडिट होती है, फिर रात को लेट डलती है, 12-1 बजे भी डल जाती है काफी बार। बट आपको मिल रही है, होप सो कि आपको सब टाइम से मिल रहा हो। अब बात करते हैं आज की कलर ट्यूब्स, और जो जैसे ही कमेंट आया था उसके ऊपर ही है हमारी जो आज की कलर ट्यूब्स है वो है 4.26। अब 4.26 के अंदर आपको रेड कलर का टिंच मिल जाएगा, इरिडेसेंट दो नंबर पे, और ये आपका ब्राउन। इसकी एक खासियत, इसके अंदर जस्ट आप जस्ट प्लस करोगे 20% बोल रहा हूं, 20 वॉल्यूम नहीं, 20% आप चार नंबर ऐड करोगे, फोर नंबर, तो ये ही बस 20%, ज्यादा नहीं कर रहा, 50-50 भी नहीं कर रहा। अगर आपके हेयर 50% करे ना, तब भी आप 20% ऐड कर लेना इसके अंदर, 4, 4, 26 के अंदर, तब भी आपको ऑलमोस्ट 100% ग्रे कवरेज दे देगा। अब ये जब आप डाइट करोगे 4-26 की कलर, अब आपको ये वीडियोस बनाने का फायदा है किस लिए कि आपको कोई कलर ट्यूब करनी है उसके बारे में आपने गूगल हमारे चैनल पे देखा 4-26 करनी कैसे। अगर 4-26 को डायरेक्ट आपने 20-30 वॉल्यूम से लगाया तो ऐसा रिजल्ट आएगा। और इसी कलर ट्यूब को आपने प्रीलाइट करके लगाया, अगर 5-6 लेवल तक प्रीलाइट ले गए तब इसका रिजल्ट थोड़ा रेडिश में चला जाएगा, क्योंकि रेड ना हमेशा बैक में हो, उसके मतलब बैक साइड में, ये 26 की जगह 62 होता तब तो रेड बहुत स्ट्रॉन्ग होता, लेकिन नॉर्मली भी रेड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि यहाँ पे चार लेवल पे जो अंडर कोट है वो भी रेड मिलेगा हमें। इसलिए अगर आप इसको प्रीलाइट करके करोगे ना तब इसके अंदर रेड थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, इसके अंदर रेड इसके अंदर फिर भी दिखता ही है, वाइब्रेशन आपको इसके अंदर वोयलेट की, वोयलेट इरिडिसेंट की 2 नंबर की इतनी विजिबिलिटी नहीं आएगी। आपको दिखा दी मैंने फोटो में, दिख रही है, लेकिन वो 1-2 वॉश में भी आउट आ जाएगी। अदरवाइज आपकी रेड के टिंच में रहेगा, रेड यहां पे भी है और 4 नंबर के अंडरकोट में भी रेड है, डबल बार रेड है। और जो 4 नंबर के अंडरकोट, 4 नंबर के हेयर के अंदर जो रेड होगा, क्योंकि आप इसको 3 या 4 लेवल पे लगाओगे तो वो आपका नेचुरल रेड होगा, उसकी वजह से रेड इसके अंदर पॉप अप आता है। आप सोचोगे रेड बाद में भी है, माइनर टोन है, मेजर टोन तो फिर भी सेकंड है इसकी वजह से। तो मैंने बहुत क्लियरली होप्स आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, मैं एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन देता हूँ। 4-26 4.26 को 20 वॉल्यूम से या 30 वॉल्यूम से डायरेक्ट लगाओगे तो ऐसा रिजल्ट है, और इसी कलर ट्यूब को प्रीलेट करके 5-6 लेवल तक प्रीलेट करके 20 वॉल्यूम से डिपोजिट करोगे तो ऐसा रिजल्ट है। अब भी समझ नहीं आए तो वीडियो दोबारा देखो, और इंस्टाग्राम पे जाके हमारी स्टोरीज चेक करो, उस पर छोटी छोटी नॉलेज हम देते रहते हैं, कभी भी क्लाइंट से बात करते हैं नॉर्मल, तो इंस्टाग्राम आपको साइड में दिख ही रहा है, जाके फॉलो कर लीजिए और सारी अपडेट्स ले लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो किस कलर ट्यूब पे चाहिए प्लीज कमेंट कर दीजिए, और जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नई नई वीडियो की अपडेट के लिए। थैंक यू गाइस, पी स्क्वायर सलोन।